नहीं देता। आई फ्लू नामक बीमारी तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। इसमें आंखों में जलन, लालिमा और आंखों से गंदगी निकलना आदि की समस्या आम है। इसको लेकर जहां स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है, वहीं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी लोगों से इस बीमारी से बचाव की अपील की है। संक्रमण की जद में आने वाले मरीज को तत्काल CSC व PSC पर पहुंचकर अपना समुचित इलाज कराना चाहिए। साथ ही साफ सफाई का भी विशेष ध्यान देना होगा। वहीं कम से कम दूसरों के संपर्क में आना होगा जिससे यह बीमारी फैले ना। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, आई फ्लू जो एक है वो एक बीमारी जो है वो कॉन्टैक्ट्स में आने की वजह से या एक दूसरे के सामान के प्रयोग करने की वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है। इसके लिए एक दिशा निर्देश जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के माध्यम से जनहित के दृष्टिगत जारी किया गया था। इसके बचने के जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये हैं कि भाई अगर इस तरीके से किसी को कंजंक्टिवाइटिस हो रही है तो वो एक तो ब्लैक कलर का जो गॉगल होता है, चश्मा होता है, वो चश्मा लगाएँ और आँख को नियमित रूप से हल्के गुनगुने पानी से भी धोएं और उसमें कोशिश करें कि साफ कपड़े से उसको आँख को पोछे। टिश्यू पेपर का प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और टिश्यू पेपर का प्रयोग करते हुए समुचित सफाई बरतनी चाहिए। किसी और का सामान कतई प्रयोग न करें और समय समय पर हाथ साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, जिससे कि अगर आपकी आँख कहीं मतलब किसी चीज़ अगर आपकी आँखों पर जो पानी है अगर वो आपके हाथों पर लगा हुआ है तो और संक्रामक रूप से फैल सकता है। तो इस तरीके से समुचित उपाय से आप बचा जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी को इस तरह की कोई घटना है तो वो संबंधित क्षेत्र के जो निकटतम CSC PSC हैं या जो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं वहाँ पर भी जाकर के टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। साथ ही वहाँ पर दवाओं की समुचित व्यवस्था है, वो दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित